नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास दवे, और मेरी ये यूट्यूब चैनल जो स्वदेशी बिजनेस आइडिया है उस पर आपका स्वागत है। आपने ये लॉकडाउन के दरम्यान एक चीज़ नरेंद्र मोदी से अभी लास्ट में सुनी है कि हम अपना स्वदेशी बिजनेस से अपनी जो प्रोडक्ट्स है वही खरीदेंगे और स्वनिर्भर बनेंगे। तो बस उसी तरह मैंने ये यूट्यूब पे अपने जो भारत देश के जो भी बिजनेस आइडियाज़ है, बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पे नए नए वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो आज ऐसा ही एक बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसका जो बिजनेस है, बिजनेस का मशीन का नाम है डी वॉटरिंग मशीन, और उसके रिगार्डिंग जो भी कैसे प्रोसेस करती है, कहाँ से खरीदना है, कैसे आप कमा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, और आप कैसे कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा, और आपने अभी तक मेरे जो ये चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं की तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एंड तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नीचे नए नए बिजनेस आइडिया जानने के लिए कॉमेंट करना भूलिएगा नहीं। तो चलो अब हम चालू करते हैं ये बिजनेस आइडिया। जी दोस्तों, आपको ये जो मशीन सामने दिख रही है उसकी ही बात मैं कर रहा था। इसको हम बोलते हैं डी वॉटरिंग मशीन। ये मशीन आपको आपके जो पशुधन है उनका गोबर रहता है, गोबर में से पानी को अलग करने के लिए यूज़ की जाती है। आप देख सकते हो सामने कि यहाँ एक गोबर गैस प्लांट है, उसमें से गोबर जो पानी वाला होता है उसको लेके हम ये मशीन में डालते हैं, और वहाँ से ये जो मशीन है ये गोबर को, आपको सामने दिख रहा है कि वो गोबर को अलग कर देती है, और पीछे एक पाइप लगा है आप देख सकते हैं वाइट कलर का, उससे वो जो पानी है पानी को अलग कर देती है। और आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे ये मशीन काम करती है। ऊपर से हम पानी और गोबर मिक्स करके अंदर डालते हैं, और इसमें जो स्क्रू है वो रोटेट होता है, रोटेट होते होते ये अलग से जो खाद रहती है वो निकल जाती है, और पास में से ये आप देख रहे हैं कि पानी है, वो पानी भी अंदर से निकल जाता है। और हम ये जो खाद है उसको हम अपने खेत में भी डाल सकते हैं, और इसमें अलग अलग से हम तीन चार तरीक़ों से इसमें कमा भी सकते हैं कि कैसे हम इसमें अलग अलग करके अलग अलग जो ट्रीटमेंट रहती है वो करके भी हम कमा सकते हैं। आपको ये पूरा मशीन दिख रहा होगा कि ये कैसे काम करता है और इससे आप कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मशीन है उसमें से हम ये खाद अलग करके और पानी अलग करके जो जिस तरीके से कमा सकते हैं। तो पहले ही जो मेथड है वो है कि हम जो पानी अलग करते हैं उसमें एक सल्फ़र और दूसरे अलग अलग ऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो वो पानी हम ड्रम में भर के जो बेचा जाए, और उस पानी को हम अपनी जो ड्रिप इरिगेशन पद्धति या जो फुहारे वाली पद्धति होती है उसमें पानी मिक्स करके अगर हम अपने खेत में छिड़काव करें तो उससे हमारे जो खेत के जो फसल रहती है उसमें भी अच्छी तरह से वो होगी, और हमें यूरिया भी उसमें डालना नहीं पड़ेगा, और हमारे जो खेत की पैदाश रहती है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो होगी। उसके अलावा हम दूसरी तरीके से बात करें कि कैसे कमा सकते हैं, तो ये जो खाद निकल रही है उसमें हम केंचुए लाके हम अंदर डालें तो उससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जिससे उसमें केंचुए डाल के हम वर्मी कंपोस्ट बना के उसको हम अपने खेत में डालते हैं, तो जो हम रासायनिक खातर यूज़ करते हैं वो हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जो यूरिया पुरिया डालते हैं वो भी हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और इससे हमारी पैदाश में भी फ़ायदा रहेगा। तो हम इस तरीके से भी फ़ायदा कर सकते हैं। हम गोबर कहीं से हम ख़रीदते हैं तो 2.5 रुपये में हम ख़रीद सकते हैं, या तो अपने यहाँ पशुधन पाल के उनसे भी गोबर जो निकलता है उससे भी हम बना सकते हैं, और जो मार्केट में अगर बेचने जाते हैं हम ये तो हमें 5 रुपये तक बिक जाता है। तो आप देख सकते हो कि 50% तक आपको मुनाफा रहता है इसमें। तो इस दोनों तरीके से आप अपना जो फ़ायदा है वो कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप इससे जो खाद निकलती है उस खाद को आप सीधे ही बेचना चाहते हैं तो भी आप बेच सकते हैं जी। तो ये तीन तरीक़ों से आप इसमें कमा सकते हैं।
और अब हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में। तो मशीन में जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, वो सब स्टेनलेस स्टील के लगे हुए हैं। तो इससे आपका जो मशीन है उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, और उसके सिवा इसमें कोई भी मेंटेनेंस रहता नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मशीन दो पार्ट्स में उपलब्ध है, एक छोटी मशीन है और बड़ी मशीन है। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो बड़ी वाली मशीन है, और ये आप जो सामने देख रहे हैं वो छोटी वाली मशीन है। तो दोनों में जो छोटी वाली मशीन है उसमें 2 HP की मोटर है और 3 फेज पे चलती है। तो उसमें आप 1 घंटे का मिनिमम गिनने जाए तो 2 टन तक आप माल निकाल सकते हैं। आपका जो भी खाद आप अंदर डालते हैं तो उसमें से पानी और आप अपना जो गोबर रहता है वो अलग करके इतना बना सकते हैं। और जो बड़ी वाली मशीन है उसमें 7.5 HP की मोटर रहती है, और वो भी आपको 3 फेज और 2 फेज दोनों में मिल जाएगी, और उससे आप 1 घंटे में 5 टन तक का माल निकाल सकते हैं। तो आपको ये दो जो मशीन है वो आपको दिखाई गई है, और उसके बाद में मैं आपको एक तीसरा तरीका भी कमाने का दिखा देता हूँ। तो ये आपको सामने दिख रही है, ऊपर हमारी जो डी वॉटरिंग मशीन है वो लगाई गई है, और नीचे जो गोबर से लकड़ी बनती है उसकी मशीन आपको दिख रही होगी, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रही है वो। तो आप अंदर से जो खाद निकलती है पानी के बिना, वो खाद आप इस मशीन में डाल के उससे आप लकड़ी भी बना सकते हैं। अगर आप लकड़ी बना के भी बाज़ार में बेचने जाते हैं तो वो लकड़ी भी आपको 5 रुपये तक बिक जाती है। वो आप अलग अलग होटल्स में या स्मशान गृह में या कोई भी ढाबे पर भी आप बेच सकते हो, तो इससे भी आप मुनाफा कमा सकते हो। तो ये है हमारी मशीन। तो देखो, आपने दोस्तों देख लिया होगा इसमें कि आप कैसे ये मशीन से अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊँ तो आप दिन में कितना पैसा कमा सकते हो। तो मैंने जो ये सब देखा और कैलकुलेशन करके मैं जो देख रहा हूँ, तो आप करीबन 1 दिन में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 हज़ार तक कमा सकते हो। तो आप महीने में गिनने जाए तो 60 हज़ार रुपये तक आप इस मशीन से कमा सकते हो। और अगर आप ये मशीन लेना चाहते हो तो जो मशीन विक्रेता है उनका जो नंबर है मैंने नीचे जो आपको दिख रहा होगा नीचे दिया है, और यहाँ पे भी आपको उनकी नेम प्लेट एक दिखाई दे रही होगी, सनी इंजीनियरिंग करके उनकी नेम प्लेट दे दी है, और उनका जो और कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके सीधे ही आप ये मशीन खरीद सकते हैं, और आप उनको मेरा रेफरेंस दोगे तो वो आपको बेनिफिट में भी थोड़ा कर देंगे, और जो मशीन का जो चार्ज था वो चार्ज भी आपको वहाँ से बता दिया जाएगा। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया जो मेरी स्वदेशी बिजनेस चैनल है उस पर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।